मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बस की पहली महिला चालक पूजा प्रजापति का मन से तारीफ करते हुए बस में बैठकर नगर निगम से एक कार्यक्रम स्थल तक बस का ट्रायल लिया। वहीं एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और हॉकी की नेशनल प्लेयर पूजा प्रजापति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हौसला अफजाई भी किया, जिसके संबंध में पूजा प्रजापति ने बताया कि वह छोटी से बड़ी गाड़ियां चलाने का शौक रखती हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम से एक कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री के साथ बस चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने आप को गौरवशाली महसूस किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि यहाँ की लड़कियां इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती हैं, इसलिए वह स्वयं का उदाहरण पेश कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इलेक्ट्रिक बस की पहली महिला चालक पूजा प्रजापति ने कहा, इलेक्ट्रिक बस से कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं? अगर सर सीधे गोरखनाथ मंदिर तक जा सकते हैं? नहीं नहीं, होटल तक जा सकते हैं, होटल तक जा सकते हैं, होटल तक कार्यक्रम सर थोड़ा सा लगेगा भाई। आज गोरखपुर को एक नई सौगात मिली है, इलेक्ट्रिक बसेज आज गोरखपुर के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। कल से आप इलेक्ट्रिक बसेज से गोरखपुर की यात्रा कर पाएंगे। सचमुच जो उन्होंने कहा अभी सीताराम जी ने कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में है, तो कल से जब आप इस गोरखपुर सिटी के अंदर, और मैं देख रहा था कि गोरखपुर की एक बेटी पहली बस उसने चलाया है, क्या नाम उसकी बेटी का? पूजा प्रजापति। पहली इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर नगर निगम जिसको संचालित करने जा रही है वह गोरखपुर की बेटी है, और इलेक्ट्रिक बस को संचालित यानी चलाने का काम उसने किया है। तो कल से गोरखपुर वासी ही इलेक्ट्रिक बसें से चल पाएंगे। उस इलेक्ट्रिक बस में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, डीजल की आवश्यकता नहीं, इंजन भी नहीं, सूर्य की रोशनी से या फिर बैटरी से उसको चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज कर लेंगे और इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज बिजली से उसको चार्ज करने के बाद वह गोरखपुर की सड़कों पर जब चलेगी कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, और गोरखपुर वासियों को गोरखपुर के अंदर इसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। और इस कार्य के लिए गोरखपुर में आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 25 इलेक्ट्रिक बसेज हम लोगों ने गोरखपुर को उपलब्ध कराई है, जिनमें 15 का संचालन कल से गोरखपुर के अंदर आज उसका यहाँ उद्घाटन कर दिया गया है, कल से उसका प्रारंभ होगा। मैं इसके लिए गोरखपुर नगर निगम को, गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी पार्षद गणों को हृदय से बधाई देता हूं, और गोरखपुर वासियों को भी सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सुहानी शाम में आप सब गोरखपुर के इन विकास कार्यों का आनंद लेंगे। महाराज जी तीन अलग अलग रूटों पर चलेगी, महाराज जी अभी कहां हम ना पता है बाबू ये सर गाड़ी का अब भैया क्या हो जाए, भैया अब क्या हो जाए? महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी इतना सा अरे भाई अरे आगे बहुत अभी यहाँ याद आइए थोड़ा तो महाराज जी जगह दो बस महाराज जी बस भगवान जी ले लीजिएगा भैया, पीछे हो जाओ यार तुम लोग, गजब यार पीछे हो जाओ ना, हम लोग खड़ा करना है। अरे भाई
मेरा नाम पूजा प्रजापति है और मैं एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं हॉकी की नेशनल प्लेयर भी हूँ और जो है मैं जो हैवी व्हीकल्स हैं इनको चलाने का शौक रखती हूँ, जैसे 4x4 की गाड़ियाँ आर्मी की, और मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी किया हुआ और एनएसएस से मैंने राजपथ भी चला है 2020 में, जो हमारा 26 जनवरी राजपथ परेड होता है, और मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित हूँ। और सर मैं दौड़ती भी हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ों को समय देती हूँ, जैसे कि हैवी व्हीकल्स को चलाना, टेलर है, टैंकर है, क्रेन है, हाइड्रा है, पोपलेन है, ट्रैक्टर टाली है और टेलर है, ये सर ग्रेडर है, ये सब मैं चलाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने एनसीसी भी किया। और जो है सर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे जो हमारी गोरक्षनाथ की पावन धरती है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की लड़कियों को इतना प्रोत्साहित करें, इतना उनका मनोबल बढ़ाएं कि यहाँ की लड़कियाँ भी इस प्लेटफॉर्म पर आएं, आ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे क्षेत्र का काम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हीं के मोटिवेशन के लिए, उनके मनोबल के लिए मैंने बस को चलाया शहर में और आज हमारे साथ मुख्यमंत्री महोदय भी थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाई और हमारी बस में सफ़र करके वो शास्त्री चौक से रेडिशन ब्लू होटल तक गए मोदीपुर, और उन्होंने भी मेरा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने मुझसे दो चार सवाल जवाब भी किए, तो काफ़ी शानदार रहा था आज का दिन। और कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शायद सबको नसीब भी नहीं हो पाता कि मुख्यमंत्री सर जो है महोदय किसी के साथ हमारे बगल में खड़े होकर के बस के बगल में थे, मात्र 1 फीट की दूरी पे, तो सर आप समझ ही सकते हैं कि कैसा महसूस, बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, खुशी हो रही थी अंदर से कि हमारे बगल में आज मुख्यमंत्री महोदय थे और बाकी अधिकारीगण भी बैठे हुए थे और हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी भी पीछे सीट में बैठे थे, तो हमें ऐसा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी, मैंने उनसे कहा कि जो है यहाँ की लड़कियाँ इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती हैं सर, और थोड़ा सा उनको मैं दिखाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ अपने स्तर से कि वो लोग भी इस फील्ड में आए, लड़कियाँ गाड़ी चलाने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अच्छे काम के लिए थोड़ा सा डर को दूर करना चाहिए और थोड़ा सा मान मर्यादा के साथ, सभ्यता के साथ हम किसी भी महिलाएँ किसी भी काम को पूर्ण कर सकते हैं और किसी भी जगहों पे विजय फतह कर सकते हैं।